To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. गुड मॉर्निंग भैयावर, मैं आचार्य राकेश कुमार ठाकुर, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबांध सीतामढ़ी। आज हम लोग चैप्टर 7 फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करना है करेंगे। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 को सॉल्व कर चुके हैं, तो 7.3 को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शंस। यहाँ जो भी फिगर बना हुआ है इस फिगर को फ्रैक्शन में लिखना है। जो भी फिगर बना हुआ है उसमें शेडेड पोर्शन, फिगर के शेडेड पोर्शन को देख करके फ्रैक्शन लिखना है। और फिर पूछा जाता है, आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, ये सभी फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं। तो दो फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट कहा जाता है यदि उनका वैल्यू आपस में इक्वल हो, या ऐसे भी कह सकते हैं दो फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट कहा जाएगा यदि उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो जाए। जैसे मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, सबसे पहले तो है कि राइट द फ्रैक्शन, इसको देख करके फ्रैक्शन बनाइए। तो सबसे पहले यह देखना होगा ये जो पिक्चर है वो टोटल कितने पार्ट में डिवाइड है। दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकेंड, दो पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से वन पार्ट शेडेड है। जो पार्ट शेडेड होता है वो न्यूमरेटर, टोटल पार्ट हमारा डिनोमिनेटर हो जाता है। तो हम इसको लिखेंगे 1/2। उसी तरह से यह फोर पार्ट में डिवाइडेड है, फोर इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से दो पार्ट शेडेड है। तो दो पार्ट शेडेड है तो टू हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा, टोटल पार्ट फोर डिनोमिनेटर हो जाएगा। उसी तरह से यह पिक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से 3 पार्ट शेडेड है। 3 हमारा न्यूमरेटर होगा और 6 डिनोमिनेटर हो जाएगा। यह पिक्चर 8 पार्ट में डिवाइडेड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से 4 पार्ट शेडेड है। हमारा 4 न्यूमरेटर हो जाएगा और टोटल पार्ट जो है हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको फ्रैक्शन में लिख लिए। अब पूछा जा रहा है यह इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो चूंकि हम 2/4 का मतलब होता है हाफ, 2/4 का मतलब ये होता है हाफ, क्योंकि 2 से 4 डिविजिबल है 2 टाइम्स में। 3/6 इसका भी मतलब होता है हाफ, 3 2 3 1 3 3 2 6। और 4/8 इसका भी इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2। तो हम देखते हैं कि ये जो पिक्चर है चारों पिक्चर में आधा इसका भी हाफ शेडेड है, इसका भी हाफ शेडेड है, इसका भी हाफ शेडेड है, इसका भी हाफ शेडेड है। तो इसका मतलब है ये 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 ये जो फ्रैक्शन है ये आपस में इक्विवेलेंट है। हम लिखेंगे यस, यस ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट, क्योंकि यह हाफ है, 2/4 भी हाफ के इक्वल है, 3/6 भी हाफ के इक्वल है, 4/8 भी हाफ के इक्वल है। तो चारों फ्रैक्शन का वैल्यू आपस में इक्वल है, हम लोग इसीलिए बोलेंगे यह इक्विवेलेंट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो। इसमें क्या करना है कि इसमें भी क्या है, शेडेड पोर्शन को फ्रैक्शन में लिखना है और फिर उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का पेयर करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में का ए बी सी डी और ई, फर्स्ट लाइन में ए बी सी डी 5 फिगर बना हुआ है और सेकेंड लाइन में 1, 2, 3, 4 और 5, यानी इसमें ए बी सी डी
फर्स्ट लाइन में जो फिगर बना हुआ है उसका भी कॉलम बनाएंगे और सेकंड लाइन में जो फिगर बना हुआ है उसका सेकंड कॉलम में लिखेंगे। जैसे वस्तु का ए वो फ्रैक्शन में लिखना है तो हम देख रहे हैं कि दो टोटल दो पार्ट है जिसमें से एक पार्ट शेडेड है तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/2। बी में टोटल फोर पार्ट शेडेड है, टोटल फोर पार्ट शेडेड है और टोटल पार्ट हमारा 6 है 4/6। क्वेश्चन नंबर सी में थ्री पार्ट शेडेड है तो थ्री न्यूमरेटर हो जाएगा और टोटल 9 पार्ट है। फिर डी में टोटल 8 पार्ट है जिसमें से 2 पार्ट शेडेड है तो 2/8 हो जाएगा। और ई में 4 पार्ट है जिसमें से 3 पार्ट शेडेड है तो फ्रैक्शन बनेगा 3/4। इस तरह से हम फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट लाइन के फिगर को फ्रैक्शन में लिख लेंगे। अब सेकेंड कॉलम में हम सेकेंड लाइन में जो फिगर बना हुआ है उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 1 में क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 पार्ट शेडेड है, शेडेड पार्ट 6 है, टोटल पार्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तो 6/18। बी में 4 पार्ट शेडेड है तो 4 टोटल पार्ट हमारा 8 है 4/8। 3 में टोटल शेडेड पार्ट है 4, 8, 2, 10, 2, 12, 12 पार्ट शेडेड है टोटल पार्ट हमारा हो गया 16। 4 में शेडेड पार्ट की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और टोटल पार्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यह 12। और 5 में 1, 2, 3, 4 फोर पार्ट हमारा शेडेड है, टोटल पार्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो क्या करना था कि फिगर को देख करके फ्रैक्शन में लिखना था और अब हमको क्या करना है इसमें पेयर अप करना है यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का वो मैच उसको मैच करेंगे कौन किसके इक्विवेलेंट है। इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर इधर भी ये इधर जो फ्रैक्शन है उसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इधर जो फ्रैक्शन है उसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 4/2 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 2/3, 2 से 4 भी डिविजिबल है 6 भी डिविजिबल है। 3/9 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 1/3 क्योंकि 3 1 3 3 3 9। 2/8 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 1/4, 3/4 का सिंपलेस्ट फॉर्म 3/4 ही होगा। अब इधर भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे तो 6/18 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 1/3, 4/8 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 1/2, 12/16 इसका 4 से 12 भी डिविजिबल है 16 भी डिविजिबल है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 3/4, 8/12 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे 4 से 8 भी डिविजिबल है 12 भी डिविजिबल है 2/3 और 4/16 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 1/4। अब इन दोनों को हम मैच करेंगे यानी दोनों कॉलम को हम मैच करेंगे, यहाँ 1/2 यहाँ 1/2 और यहाँ भी 1/2 है, इसका मतलब है ए का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ए का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर 2 होगा। फिर 2/3 4/6 का 2/3 इधर 2/3 देखेंगे तो बी का मैचिंग 4 के साथ होगा। फिर 1/3 यहाँ है और यहाँ भी 1/3 है तो सी का मैचिंग 1 के साथ होगा। और फिर डी यहाँ 1/4 है और यहाँ भी 1/4 है तो डी का मैचिंग 5 के साथ होगा। और फिर यहाँ 3/4 है और यहाँ 3/4, तो इस तरह से हमारा आंसर होगा ए का ए इक्विवेलेंट होगा 2 के, बी 4/6 4/6 का इक्विवेलेंट होगा 8/12 इधर, सी 3/9 3/9 का इक्विवेलेंट होगा 6/18, फिर 2/8 इसका इक्विवेलेंट होगा 4/16 और फिर ई में 3/4 है 3/4
3 बाई 4 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 12 बाई 16। इस तरह से हम इक्विवेलेंट बताना था तो हम इस तरह से इक्विवेलेंट करेंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। रिप्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर, यानी फिर रिप्लेस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए 2x7 इक्वल टू 8y ब्लैंक स्पेस है, यहां पर हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, दोनों फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट है। दो फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट कहा जाएगा यदि उनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल हो, यानी इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर के साथ, इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो क्या करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट लिखना हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें। यहाँ देख रहे हैं 2 है और हमको 8 लाना है, इसका मतलब है 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है। 2 है और 8 लाना है, तो 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए 7 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 4 = 28। इस तरह से हमारा 2x7 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 8x28। अब इसी क्वेश्चन नंबर डी हम सॉल्व कर रहे हैं 45 by 60 15 by blank space। यहाँ भी क्या है, 45 by 60 का इक्विवेलेंट लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 45 by 60, और यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ 45 है क्योंकि हमको लाना है 50, 45 है और हमको 15 लाना है, इसका मतलब है कि हम 45 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 45 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 45 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 15 आ जाता है, क्योंकि 45 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं इसीलिए हम 60 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 होगा। इस तरह से 45 by 60 का इक्विवेलेंट 15 by 20 होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5, कह रहा है 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए जिसका डिनोमिनेटर 20 हो। क्वेश्चन नंबर ए में है 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जिसका डिनोमिनेटर 20 हो, यानी डिनोमिनेटर 20 दिया हुआ है और न्यूमरेटर आपको बताना है कि 3/5 का इक्विवेलेंट ले, अगर डिनोमिनेटर 20 है तो न्यूमरेटर क्या होगा। इस क्वेश्चन को भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही सॉल्व करेंगे, 3/5 और यहाँ इक्विवेलेंट लिखना है, 5 है और 20 लाना है, तो देख रहे हैं 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा। तो जब हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 = 12। सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करना हो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा, या सेम नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो भी हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का डी, 4 का डी हम सॉल्व कर रहे हैं, 3/5 का इक्विवेलेंट लिखना है। यहाँ भी 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है और न्यूमरेटर 27 हो, यानी न्यूमरेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर आपसे पूछा जा रहा है, 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है इसका न्यूमरेटर 27 हो, डिनोमिनेटर क्या हो। यहाँ भी हम 3/5 और अब हम देख रहे हैं
3 है और 27 लाना है, तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, तो 3 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा रहता है, तो 5 9 का 45, इसका मतलब होगा 3 बाई 5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 27 बाई 45 होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36 बाई 48 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है ताकि न्यूमरेटर 9 हो, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ए 36 बाई 48 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है जिसका न्यूमरेटर 9 हो। तो न्यूमरेटर 9 हो तो डिनोमिनेटर क्या होगा आपको बताना है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ 36 है और यहाँ 9 है, यानी स्मॉलर नंबर है, इसका मतलब है कि 36 को डिवाइड करेंगे, 36 को डिवाइड करेंगे तब तो क्वेश्चन 9 आएगा। तो 36 बाई 48, अब तो 36 को हम कितना से डिवाइड करें ताकि 9 आए, तो देखते हैं कि 36 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 9 आता है, 36 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 9 आ रहा है। जब 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 48 को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, सेम नंबर से डिवाइड करना रहता है, तो 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12, इस तरह से 36 बाई 48 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 9 बाई 12 हुआ। या इसका दूसरा मेथड जो इसका वो भी मैं बता रहा हूँ। ये दूसरा मेथड क्या है, जैसे 36 बाई 48 इक्वल्स टू 9 बाई ब्लैंक स्पेस है, तो हम जानते हैं दो फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट कहा जाता है जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल हो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल हो, तो हम लिखेंगे 36 इंटू ब्लैंक स्पेस, इन दोनों का प्रोडक्ट 36 इंटू ब्लैंक स्पेस एक तरफ और 48 इंटू 9 एक तरफ, लेफ्ट साइड में इन दोनों का प्रोडक्ट लिख लेंगे, राइट साइड में इन दोनों का, और अब चूंकि ब्लैंक स्पेस का वैल्यू मालूम करना है तो क्या करेंगे, 36 इधर मल्टीप्लीकेशन के रूप में है तो उधर डिवीजन के रूप में हो जाएगा, 48 इंटू 9 बाई 36, यानी जब ट्रांसपोज करेंगे तो लेफ्ट साइड में 36 मल्टीप्लीकेशन के रूप में है तो राइट साइड में डिवीजन के रूप में हो जाएगा, और अब 9 4 जा 36 और 4 से हम इसको 4 12 जा 48, हमारा 12 आ गया, यानी ब्लैंक स्पेस में हमारा 12 आ गया, हम लिख सकते हैं 36 बाई 48 इक्वल टू 9 बाई 12, तो भी हमारा आंसर हो सकता है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग होमवर्क लिखेंगे, होमवर्क है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1-5 ऑफ एक्सरसाइज 7.3, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1-5 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। थैंक्स।